अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, के चंद्रशेखर राव की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। एक सहाफ़ी पूछते हैं कि शमशाबाद मस्जिद का क्या हुआ, आपने वादा किया था, लेकिन के चंद्रशेखर राव भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कोई वादा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो गैर जिम्मेदारान चीफ मिनिस्टर हैं। शमशाबाद इलाके में एक मस्जिद को गिराया जाता है और गिराने वाले म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनकी हिदायत पे गिराई जाती है, और फिर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं और मैंने कोई वादा भी नहीं किया मस्जिद बनाने का। तो इसका मतलब ये है कि के चंद्रशेखर राव अब कोई वादा नहीं किए और ना उनका इरादा है मस्जिद बनाने का। फिर सेक्रेटरीट के दो मस्जिद गिरे हैं, उसका क्या? आज बड़ी अफसोस की बात है, आज के चंद्रशेखर राव इस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रही है तो यहाँ की भी मीडिया वैसे ही काम करेगी, लेकिन यहाँ की तकरीबन मीडिया यकीनन गोदी मीडिया हो चुकी है, हुकूमत के फेवर में तकरीबन मीडिया हो चुकी है, और थोड़ी बहुत जो मीडिया है वो कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई MLA के फेवर में काम करती है और उनके सपोर्ट में काम करती है। अब कुछ थोड़ी बहुत आज़ाद मीडिया है, वो है वेब मीडिया। अब वेब मीडिया जो काम कर रही है, कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन उन पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रिए से केसेस दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे केसों से कोई डरने वाले घबराने वाले नहीं है। जो हकायक बताते हैं उनको ये केसों से कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि पुलिस आर्टिकल 19 का तोहिन कर रही है, हमारे संविधान का तोहिन कर रही है, और जिस तरह से पुलिस केसेस दर्ज कर रही है ये ठीक बात नहीं। अगर एक आदमी अगर ये पुलिस के खिलाफ ऐसे केस में अगर चले जाए तो पुलिस वालों के वर्दियाँ उतर सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले देखकर आदमी पर हाथ डालते हैं, और वो एक आदमी पर हाथ डालने से तमाम के तमाम लोग डर जाते हैं, खौफ के माहौल में हो जाते हैं, और वो सच बताना ही भूल जाते हैं। ये माहौल चल रहा है हर जगह। बहरहाल, जिस तरह से के चंद्रशेखर राव को, उनकी पार्टी को आम लोगों ने, पब्लिक ने, आवाम ने वोट डालकर जिताया कि उनके मसलों को हल किया जाए, लेकिन के चंद्रशेखर राव वही आवाम को धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं, वही आवाम को परेशान किया जा रहा है। आज हर इलाके में गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कें सही नहीं हैं, जगह जगह पे मोरी का, नाली का पानी बहते रहता है, पीने के पानी में जहर का पानी आ रहा है, गलीस पानी आ रहा है। मैलोतोपल्ली के इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई, कौन है इसके जिम्मेदार? के चंद्रशेखर राव क्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ऐसे बड़े बड़े बातें ना करें। ये मीडिया चौथा सुतून है इस मुल्क का, अवाम की आवाज़ बनकर अगर एक सहाफ़ी, अगर एक चैनल पूरे ईमानदारी से अगर आपके खिलाफ पीछे लग जाए तो फिर आपकी हुकूमत गिर जाएगी। आप ये ना समझे कि पूरी मीडिया आपकी ग़ुलाम है, नहीं, कुछ लोग आपके ग़ुलाम हो सकते हैं लेकिन पूरी मीडिया नहीं हो सकती। आज अवाम की आवाज़ बनने का एक ही ज़रिया वो मीडिया है, वहाँ पर भी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ मीडिया, कुछ सहाफ़ी ऐसे सवाल करते रहे हैं और सवाल करते रहेंगे, जैसे कि एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया। नाज़रीन, आज के चंद्रशेखर राव बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या कर रहे हैं ये हमें देखने की ज़रूरत है, किस तरह से वह काम कर रहे हैं। और एक सवाल का जवाब नहीं दे सके, मस्जिदें गिराई गई हैं, फिर उसको तामीर क्यों नहीं की जा रही है, कौन है इसके ज़िम्मेदार? आज आम आदमी सवाल नहीं कर रहा है, आज आम आदमी खामोश है, और ये खामोशी की वजह से आज के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी और दूसरे पूरे लीडर्स फायदे उठा रहे हैं। आज हमें सवाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम मीडिया के ज़रिए सवाल करता है, और इसीलिए मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि सवाल करें, आवाम की आवाज़ बनकर सवाल करें। लेकिन क्या हम हमारी ज़िम्मेदारी सही निभा रहे हैं? क्या हम हमारा पेशे को सही निभा रहे हैं, हमारा काम सही कर रहे हैं? ये हमें देखने की ज़रूरत है। आज हम सिवाय एक मुखबिर के अलावा कुछ नहीं बने हैं। आज अपने आप को रिपोर्टर कहने के लिए हमें शर्म आ रही है। आज इतनी इमेज हमारी गिर चुकी है, इतनी इमेज को गिरा चुके हैं, हर कोई चैनल का नाम डालकर फेसबुक पेज खोल ले रहा है, यूट्यूब पेज खोल ले रहा है, अपने आप को रिपोर्टर बोलकर मियाँ बीवी के झगड़े डाल रहा है, अपने आप को रिपोर्टर बोलकर जमीनात के खिस्से डाल रहा है, अपने आप को रिपोर्टर बोलकर किसी के भी जाति पर्सनल मैटर में जाकर वो इश्यूज़ को उछाल रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, शायद गलती हमसे भी हुई है, हम भी गलती करें हैं,
हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं डाले, हम भी डाले हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी आवाम की आवाज़ बनना है। यही वजह है कि हम आज इस चीज़ों में बटे हुए हैं। आज हम अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हकीकत मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि मीडिया का जो भी रिपोर्टर है, जो भी मीडिया में काम करता है, चाहे वो फ्रीलांस हो या जो भी हो, उसको अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं, अपने बारे में फ़ायदे के बारे में सोचने का कोई हक नहीं। सबसे पहले उसको आवाम के मसलों के बारे में सोचना है, आवाम की आवाज़ बनकर सामने लाना है। जो भी वीडियो से, जो भी तस्वीरात हैं, जो भी बात है, क्या हम ये कर सक रहे हैं? क्या हम इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं। आज हमें करने की ज़रूरत है। आज गली गली में रिपोर्टर हो चुके हैं, रिपोर्टरों की शक्ल में मुखबिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं हम, और इस पेशे को हम रिपोर्टर कह रहे हैं, चैनल न्यूज़ चैनल कह रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारा काम नहीं है। यही काम को देखते हुए पुलिस वालों को भी समझ में आ गया कि ये लोग कितने हैं और ये लोग की औकात क्या है। इसीलिए ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों के ज़रिए वहाँ तक आने की कोशिश कर रहे हैं जो हकायक और सच बताते हैं, और सीधे पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, सीधे हुकूमत वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, सीधे वो ताकतवर लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जो सच बताता है, जो पूरी ईमानदारी से काम करता है। इसीलिए ऐसे लोग जो बेईमानी का बाजार में अपना धंधा चला रहे हैं, रिपोर्टरों के नाम पर धंधेबाजी कर रहे हैं, ब्रोकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दबाया जा रहा है ताकि इनके ज़रिए उनको बदनाम कर सके, उनका कुछ ना कहीं नाम ले सके। आज ये हालत बन चुके हैं, लेकिन ना पहले ये लोग वहाँ तक आए थे, ना आगे वहाँ तक आएंगे, क्योंकि हमारा संविधान आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है कि हम डट कर काम करें। हमारी जिम्मेदारी है काम करने की, सवाल करें, ये हमारा पेशा है और हमारे ये पेशे को, हमारे ये काम को कोई हमसे नहीं छीन सकता। लेकिन चंद ऐसे लोगों की वजह से हमें बदनामी हो रही है। आज समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल आज के चंद्रशेखर राव ने जो बात की, एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं दे सके हो, तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि एक सहाफ़ी ने उनकी बोलती बंद कर दी, तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम एक एक सवाल अगर करते रहें उनके MLA को, उनके मिनिस्टर को, उनके कॉर्पोरेटर को, तो फिर जो डिपार्टमेंट में उनको, तो फिर कहाँ से जवाब देंगे? सीधा सीधा वो काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। आज पुलिस स्टेशनों में बैठकर धंधेबाजियाँ करना, लोगों के केसों को सॉल्व करना, उनसे रुपये लेना, ये धंधा बन चुका है, ये हमारा पेशा नहीं है। पुलिस स्टेशनों को सियासी अड्डा और रियल इस्टेट के ऑफिस बना चुके हैं, और उसके खिलाफ हम डालने की बजाय उनका साथ हम दे रहे हैं। ऐसे चंद पॉलिटिकल लीडरों का हम साथ दे रहे हैं जो सुबह से शाम तक लोगों को लूट रहे हैं, उनसे झूठे वादे कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, और सवाल करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, झूठे केसेस डाल रहे हैं, और हम खामोशी अख्तियार किए हैं। हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे और हुकूमत से सवाल नहीं करेंगे, MLOs से, कॉर्पोरेटरों से सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये लोग ऐसी मनमानी करते रहेंगे। आज किसी एक का अंजाम होगा, कल आपकी बारी होगी। इसलिए आपके आप तक आने से पहले आप सवाल करना शुरू कर दें, तभी जाकर हम समझेंगे कि मीडिया कुछ है और हम काम कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से के चंद्रशेखर राव ने ये वाजे तौर पे कहा कि हमने कोई वादा नहीं किया, तो आप इनकी सोच को समझ सकते हैं। फिर आने वाले टाइम में हम ये चीफ मिनिस्टर से क्या तवक्को रखेंगे और इनसे क्या हम उम्मीद रखेंगे? क्या माइनॉरिटी के लिए क्या फ़ायदा इन्होंने पहुँचाए हैं, मुसलमानों के लिए क्या फ़ायदा पहुँचाए हैं, ये नहीं बोल सकेंगे। के चंद्रशेखर राव को अच्छी तरह पता है कि मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है, कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन एक शख्स, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, तो वो भोपलाट का शिकार बन गए और धमकियाँ देने की कोशिश की। आप ये वीडियो में सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। चीफ मिनिस्टर को भी आवाम ने बनाया, प्राइम मिनिस्टर को भी आवाम ने बनाया। अगर आवाम का आप साथ नहीं देंगे, तो फिर आप आज चीफ मिनिस्टर है, कल फिर कोई भी मिनिस्टर के लायक आप नहीं रहेंगे। तो समझने की ज़रूरत है, आपको सबसे पहले आवाम के काम करने की ज़रूरत है। आपके कॉर्पोरेटरों को बोलिए, आपके MLO को बोलिए, आपके जो लीड जो अहदेदार हैं, चाहे वो वाटर वर्क्स में हो या फिर बल्दिया में, उनको बोलिए कि क्या काम कर रहे हैं,
काम करवाइए, तब जाके हम समझेंगे कि कुछ काम आप कर रहे हैं। देखते हैं सपोर्ट। विचारधारा की बात करते हैं, तो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के बारे में आपका क्या बता दिया ना भाई? उसके बाद मुसलमानों के लिए शमशाबाद नहीं हुआ सवाल मेरा, मेरा सवाल है शमशाबाद में मस्जिद जो है तो शहीद कर दी गई, ऐसे कई मस्जिद है हैदराबाद में जिसके विरोध में MIM पार्टी MBT उतरी मैदान में, उसके बाद आपने जो वादा किया था मस्जिद तामीर करने का वो हमने भी वादा नहीं और किया और कार्रवाई भी कोई अधिकारियों पे नहीं, नहीं किया हमने, कहा किया? तो आप क्या बोलना चाहते हैं मस्जिदों के बारे नहीं, में नहीं, आप, हमने वादा कहा किया? तो शमशाबाद के मस्जिद के बारे में आपका हमने क्या नहीं किया था ना सर, ना हमको कोई पूछा है ना हमने वादा किया है, तो आप ये गलत बोल रहे सर। सर आपकी हुकूमत है, आप कार्रवाई करेंगे अधिकारियों पर? देखिए ऐसा, एक मिनट, एक मिनट, एक सर, जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर वायदा किया ना टीका किया ना टिप्पणी किया, कार्रवाई भी नहीं करे। सुनिए सुनिए ना, उसका शहादत हमने नहीं किया, नहीं हमारे उससे कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था, आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है, आप जैसे लोग आके बोलते हैं। सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना, आपने सवाल पूछे तो सुने ना भाई, आप यूं इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई, कि हम आप कहे तो रहेंगे, ले तो नहीं रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है सवाल सर, 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 सर एक सवाल ये है कि तारीखी शहर हैदराबाद का नाम चेंज किया जा रहा है, हिंदुस्तान के कई शहरों के भी नाम चेंज किए जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये नाम चेंज करना एक नाटक है, काम चेंज करना बहुत जरूरी है। सर सर, सर नाम चेंज की बात करने वाले सुनो ना भाई, नाम चेंज करने वाले नाटकबाजी करने वाले हैं, काम चेंज करने वाले BRS वाले हैं। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद, कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।